इस बात पर रोमाक हार्वे अपनी तलवार निकालकर ओकाटमा की गर्दन पर रखते हुए बोले, ये तुम्हारे सम्राट रोमाक हार्वे का आदेश है, लिस्ना को मेरे हवाले कर दो, वो भी इसी वक्त। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो पूरे गांव को लोगों के खून में डुबो दूंगा। इतना कहकर उसने लिस्ना का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। लिस्ना उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबा पर तलवार रखने की? अगर तुम यहाँ के मेहमान नहीं होते ना तो अब तक जिंदा नहीं बचते। उसी समय एक आदिवासी बच्चा रोमाक हार्वे पर पत्थर मारकर बोला, छोड़ दे मेरी लिस्ना माँ को। अपने माथे से खून निकलता देखकर रोमाक हार्वे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो तुरंत ही अपनी तलवार से उस बच्चे को मार डाला। ये देखकर सारे आदिवासियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। सब लोग चीखते चिल्लाते हुए उसको लात घूसों और लकड़ियों के डंडों से मारने लगे। इसी मारपीट के दौरान रोमाक हार्वे की एक आंख चली गई। वो रिमझिम गांव से अपनी जान बचाकर सीधा राजमहल की तरफ भागा। भागते भागते रोमाक हार्वे बुरी तरह से थककर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसी समय अपने सम्राट को खोजते हुए शाही सेना वहां पर आ गई और तुरंत ही घायल सम्राट को अपने साथ शाही महल में ले गई, जहां पर उनके घायल चोटों का इलाज किया गया। एक महीने बाद रोमाक हार्वे पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वो आईने के सामने आया तब अपने बदसूरत चेहरे को देखकर गुस्से से पागल हो गया। रोमाक हार्वे ने एक एक करके राजमहल के सभी आईने तोड़ डाले। उसने कसम खाई कि पूरे रिमझिम गांव को खत्म कर देगा। रोमाक हार्वे ने विशाल सेना के साथ उस गांव पर हमला किया और सारे आदिवासियों को मार डाला। उनकी औरतों के साथ रोमाक हार्वे के शाही सेना ने पहले तो बलात्कार किया और बाद में बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। नन्हे बच्चों को रस्सी से बांधकर झील में फेंक दिया, जहां पर उन्होंने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। लिस्ना के सामने ओकाटमा को अंधा बनाकर वन देवी की सीढ़ियों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। देखते ही देखते पूरा रिमझिम गांव खून की नदियों में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। राजमहल पहुंचने पर रोमाक हार्वे ने लिस्ना को शादी के लिए तैयार होने को कहा, मगर उसने मना कर दिया। राजमहल की सारी दासियों को आदेश दिया गया कि लिस्ना को हर हाल में शादी के लिए तैयार किया जाए, अगर जरा सी भी भागने की कोशिश करे तो उसको मार देने का भी आदेश था। कुछ देर बाद एक दासी रोमाक हार्वे के पास जाकर बोली, महाराज आपकी दुल्हन तैयार है। वो खुश होकर उससे मिलने के लिए जैसे ही कमरे में आया, उसने देखा कि लिस्ना राजमहल की खिड़की खोलकर झील में कूदने ही वाली थी। इससे पहले कि वो झील में कूद पाती, रोमाक हार्वे ने शाही चाकू फेंक कर मारा। वो चाकू हवा को चीरते हुए सीधा लिस्ना की पीठ पर जा लगा, लेकिन वहां से भागने में वो कामयाब हो गई। रोमाक हार्वे ने चिल्लाकर शाही सेना को आदेश दिया कि झील का कोना कोना छान डालो, किसी भी कीमत पर लिस्ना यहाँ से भागनी नहीं चाहिए, जरूरत पड़े तो पूरी सेना लगा दो। राजमहल में भगदड़ मच गई। सेना की एक विशाल टुकड़ी उसको खोजने के लिए निकल पड़ी। घायल लिस्ना जल्दी से तैरकर पानी से बाहर निकली और सैनिकों की नजर से छिपते छिपाते हुए जंगल के रास्ते से अपने गांव पहुंची। चारों तरफ बिखरी पड़ी लाशों को देखकर ही लिस्ना को जोर जोर से चिल्लाकर अपने बाबा को पुकारने लगी। लिस्ना की आवाज सुनते ही ओकाटमा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अपने बाबा को मंदिर से नीचे उतरता देखकर लिस्ना तुरंत ही उसके गले लग गई। वो ओकाटमा से बोली, बाबा आप ठीक तो है ना? ओकाटमा ने उससे पूछा, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें तो वो शैतान अपने साथ उठाकर राजमहल ले गया था। लिस्ना ओकाटमा से बोली, बाबा मैं वहां से भाग निकली, सम्राट के शाही सैनिक अभी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। अचानक ओकाटमा का हाथ उसके पीठ पर लगे चाकू से जा टकराया। वो लिस्ना से बोला, ये क्या बेटा, तुम्हें तो चाकू लगा है। लिस्ना ओकाटमा से बोली, आप घबराइए मत बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर अभी चार ही कदम चली थी कि वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ओकाटमा के बार बार कहने पर भी जब वो नहीं उठी
तब वो समझ गए कि लेसना मर चुकी है। वो अपनी बेटी का सिर गोद में रखकर पागल की तरह रोने लगा। उसी समय रोमाक हार्वे के सैनिक वहां पर आए और उसका मृत शरीर ओकाटमा से छीन कर अपने राजमहल ले गए। रोमाक हार्वे ने उसके मृत शरीर के दो टुकड़े करके सिंहासन के नीचे दफना दिया ताकि वो हमेशा उसके पैरों के नीचे दबी रहे। इस तरह उसका गुस्सा शांत हुआ, मगर उसे नहीं मालूम था कि शांत समुद्र को देखकर ये नहीं समझना चाहिए कि तूफान नहीं आएगा, क्योंकि जब उसमें तूफान उठता है तब बड़े बड़े जहाजों और टापू को अपनी लहरों में डुबो देता है। ऐसा ही एक तूफान रिमझिम गांव में उठने वाला था। ओकाटमा ने कसम खाई कि लेसना की मौत की कीमत रोमाक हार्वे के हर वंशज को चुकानी होगी। बदले की आग में जलते हुए ओकाटमा ने आदिवासियों के मृत शरीर को पट्टियों से बांधकर झील के गहरे पानी में फेंकने लगा। वो बिना रुके काम करता रहा। सारे आदिवासियों की लाशें झील में फेंकने के बाद वो पानी से बाहर आया। उसने अपने मरे हुए कबीले वालों को दोबारा जिंदा करने के लिए अंधेरे के मालिक शैतान से मदद मांगी। उसने झील के किनारे बैठकर वही चाकू निकाला जिससे लेसना की मौत हुई थी। फिर वो अपनी बेटी के साथ बिताए गए हर पलों को याद करके रोने लगा। इसके बाद उसने अपनी हथेली काट कर बहते खून से जादुई मंत्र लिखना शुरू किया। खून की आखिरी बूंद पर जाकर जादुई मंत्र खत्म हुआ। इसके बाद ओकाटमा की भी मृत्यु हो गई। सबको दोबारा जिंदा करने के लिए उन्होंने अपनी बलि शैतान को दे दी। इस घटना को कई साल बीत गए। रोमाक हार्वे इस घटना को लगभग भूल ही चुका था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। रोमाक हार्वे की शादी अमेरिका की राजकुमारी शामियाना के साथ हुई। कुछ महीने बाद महारानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन श्राप की शुरुआत तब हुई जब उनका बड़ा राजकुमार 18 साल का हुआ। अचानक एक रात झील के किनारे लिखे हुए जादुई मंत्र अपने आप चमकने लगे। पानी के अंदर सोई हुई आदिवासियों का मृत शरीर जाग उठा। चीखते चिल्लाते हुए सारी ममियां एक एक करके उसमें से बाहर आने लगी। वो किसी का भी रूप लेने में माहिर थी। वो तुरंत ही शाही सैनिक के रूप में बदल गई। महारानी शामियाना और रोमाक हार्वे अपने बेटे के साथ जनता में फल कपड़े और सोने के सिक्के बांट रहे थे कि तभी दूसरी शाही सैनिक को देखते ही रोमाक हार्वे हैरान हो गया। उसने गुप्तचरों द्वारा ऐसी किसी भी सेना के आने की खबर नहीं मिली थी। उसने तुरंत ही सेनापति को बुलाया और पूछा, ये किस देश की सेना है? सेनापति रोमाक हार्वे से बोला, महाराज ये हमारी सेना नहीं है और ना ही इनकी पोशाक पर किसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इनका मतलब साफ है कि ये कोई विदेशी सेना है। रोमाक हार्वे सेनापति से बोला, फिर देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इस विदेशी सेना को। अपने महाराज का आदेश पाते ही शाही सेना विदेशी सेना पर टूट पड़ी, लेकिन लड़ते समय उन्हें पता चल गया कि ये इंसान नहीं है बल्कि शैतान है। उनकी ताकत के सामने शाही सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई और उन्होंने बड़ी बेरहमी से सबको मार डाला। इसके बाद विदेशी सेना मृत सैनिकों का मांस और खून पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से भूखी और प्यासी हो। वहां पर मौजूद जिस किसी ने ये घटना देखी वो डर से वहीं पर बेहोश हो गया। सेनापति चिल्लाकर रोमाक हार्वे से बोला, महाराज ये कोई विदेशी सेना नहीं बल्कि शैतान है। आप महारानी और राजकुमार को लेकर यहाँ से भाग जाइए। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, तलवार के एक ही वार से उसका सिर कटकर शामियाना के पैरों में जा गिरा। ये देखकर रोमाक हार्वे की आत्मा कांप उठी। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ में लेकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर जमीन को फाड़ कर कोई शक्तिशाली हाथ उन तीनों के पांव को जकड़ लिए। तीनों ने बहुत कोशिश की उसको पकड़ से छूट जाने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। महाराज और महारानी उनसे दया की भीख मांगने लगे कि उनके बेटे को कुछ ना करें, मगर विदेशी सेना के कदम नहीं रुके। उन्होंने राजकुमार को चारों तरफ से घेर लिया
फिर सुनाई दी राजकुमार की एक दर्दनाक चीख, जिसे सुनकर पर्वतों का भी सीना फट पड़ा। उस सेना ने राजकुमार का दिल और सिर को तोड़कर दिमाग बाहर निकाल लिया। इसके बाद सम्राट हार्वे के हाथ पांव को कागज की तरह फाड़कर इधर उधर फेंक दिया और महिला मम्मी ने महारानी शामियाना के सिर के बाल एक साथ उखाड़ लिए। इस तरह उन सब की एक दर्दनाक मौत हुई। विदेशी सेना तीनों के सिर काटकर अपने साथ जंगल में ले गई। कुछ दिन बाद राजमहल में काम करने वाले दास दासियों के परिवार को भी इसी ढंग से मार दिया गया। सभी के शरीर से दिल और सिर गायब थे। यहाँ तक कि उन्होंने राजमहल के जानवरों को भी नहीं छोड़ा। सबको एक दर्दनाक मौत मिली, जिसका जिक्र सिर्फ धार्मिक किताबों और कल्पना में होता था। रोमांच हार्वे के सिंहासन के नीचे से लिसना का पार्थिव शरीर भी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद हार्वे के वंशजों में हड़कंप मच गया। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उस श्राप से कोई नहीं बच पाया। इसके बाद सबने निर्णय लिया कि जन्म लेते ही अपने बच्चे को सबकी नजरों से छिपाकर अलग अलग देशों में या फिर अनाथालय में भेज देंगे, ताकि श्राप का प्रभाव उन पर ना पड़े। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं हुआ। श्राप ने उनका पीछा 7 समुद्र पार तक किया। दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हार्वे वंश से जुड़े सगे संबंधी के बेटे या बेटी 18 साल के होते, तो ये शैतान उन्हें ढूंढ निकालते और बड़ी बेरहमी से मार डालते। जब तुम 5 साल की थी तो तुम्हारे भाई जोल को भी मार दिया गया, अनुराधा ने दुखी मन से पूछा। क्या वो भी 18 साल के थे? नॉर्मन हार्वे ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया और उसने ये भी बताया कि बहुत ही जल्द सीरिया नाम की लड़की से शादी करने वाला था। अनुराधा ने सीरिया के बारे में पूछा। तब नॉर्मन हार्वे उससे बोली, सीरिया जोल की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई। इस समय उसका इलाज गोलारी हॉस्पिटल में चल रहा है। अनुराधा नॉर्मन हार्वे से बोली, मम्मी मैं एक बार सीरिया से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे वहां पर ले चलेंगी? नॉर्मन हार्वे ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अगली सुबह अनुराधा अपनी मम्मी के साथ टैक्सी में बैठकर गुलारी हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसकी मुलाकात हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर लोहारी से हुई, जो करीब 15 साल से सीरिया का इलाज कर रही थी। लोहारी उन दोनों को अपने साथ एक कमरे में ले गई, जिसका नंबर था 421। वहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अनुराधा ने डॉक्टर लोहारी से पूछा, सीरिया कहां पर है? तब डॉक्टर लोहारी ने कमरे के एक कोने में बैठी हुई लड़की की तरफ इशारा किया। अनुराधा ने देखा कि सीरिया अपने हाथ पांव को समेट कर बैठी हुई थी। डॉक्टर लोहारी ने बताया कि इससे बात करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस हादसे के बाद से आज तक इसने किसी से भी बात नहीं की है। अनुराधा ने डॉक्टर लोहारी से पूछा, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? तब डॉक्टर लोहारी ने बताया कि रोशनी में आते ही सीरिया पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है, तब इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कमरे की लाइट बुझा दी गई है। अनुराधा मन में बोली, जरूर इस पर भी शैतानी ताकत का असर है, जो इसको सच्चाई बताने से रोक रहा है। तभी उसे नकाबपोष पादरी का दिया हुआ चमड़े का थैला याद आया, जिसे वो हमेशा अपने पास रखने लगी थी। उसने अंधेरे का फायदा उठाकर उसमें रखी पवित्र पानी की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर उसे पिलाया। फिर पवित्र पानी से उसके माथे पर क्रॉस का चिन्ह बनाया, जो ईश्वर का प्रतीक था। अनुराधा उससे बोली, सीरिया मैं अनुराधा डगलस मिचेल हार्वे, जोल की छोटी बहन, प्लीज याद करने की कोशिश करो। उसके बार बार कहने पर भी सीरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर लोहारी अनुराधा से बोली, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे बात करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। नॉर्मन हार्वे अपनी बेटी को समझाते हुए बोली, डॉक्टर लोहारी बिल्कुल ठीक कह रही है अनु, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनुराधा ने अपने गले से परमेश्वर के पवित्र लॉकेट को उतार कर उसे पहना दिया।
नॉर्मन हार्वे डॉक्टर लोहारी को आने वाले क्रिसमस की बधाई देते हुए वहां से जाने लगी। अनुराधा डॉक्टर लोहारी से बोली, आप मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिए, इसकी हालत में कोई भी सुधार दिखे तो प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिएगा। तभी टैक्सी में बैठी नॉर्मन हार्वे ने उससे घर चलने को कहा। घर पहुंचने पर अनुराधा बस सीरिया के बारे में ही सोचती रही। उसने इंटरनेट की मदद से शैतान को मारने और हथियार चलाने के तरीके सीखने लगी। शहर की पुरानी लाइब्रेरी से शैतानों की ढेर सारी किताबें किराए पर खरीद कर अपने घर ले आई और पूरे दिन बस उसी को पढ़ती रही। एक दिन क्रिसमस की खरीदारी के लिए स्नेहा मैकलिन और जोशी बोस्टन उसके घर पहुंचे और उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहा, लेकिन अनुराधा ने मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने उसे जबरदस्ती उठाकर कार में बैठा दिया। ये देखकर नॉर्मन हार्वे जोर जोर से हंसने लगी। वो पूरे रास्ते कार में चुपचाप बैठी रही, ना तो हंसी और ना ही उनकी किसी भी बात का जवाब दिया। क्रिसमस की खरीदारी में भी उसने बिल्कुल मदद नहीं की, बस वो चुपचाप कार में बैठी रही। स्नेहा मैकलिन और जोशी बोस्टन उसकी इस हरकत से काफी हैरान थे। घर आते ही अनुराधा चुपचाप कार से उतर गई। तब दोनों एक साथ उससे बोले, क्या हो गया तुम्हें, पूरे मार्केट में तुमने किसी से कोई बात नहीं की, बस चुपचाप कार में बैठी रही, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाने की भी जिद नहीं की। अनुराधा उन दोनों से कुछ कहे बिना ही घर के अंदर चली गई। जोशी बोस्टन और स्नेहा मैकलिन बस उसको देखते रह गए। ठीक उसी रात के 12 बजे अनुराधा के मोबाइल पर डॉक्टर लोहारी का फोन आया। उन्होंने बताया कि आज पहली बार सीरिया ने बात करने की कोशिश की और वो तुमसे अकेले में मिलना चाहती है इसी वक्त। ये बात सुनते ही अनुराधा अपने घर से निकल गई। गोलारी हॉस्पिटल पहुंचते ही अनुराधा डॉक्टर लोहारी के साथ उनके कमरे में पहुंची। सीरिया अनुराधा को देखते ही अपने गले लगाकर उससे बोल पड़ी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, अगर आज जॉल जिंदा होता तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होता। जोल का नाम सुनकर दोनों की आंखें नम हो गई। अनुराधा उससे जोल की मौत के बारे में पूछने लगी। तब सीरिया ने उसको बताया कि जोल अपने 18 साल के जन्मदिन की खुशी पर पार्टी मनाकर घर लौट रहा था कि अचानक हमारी कार से एक लड़की टकराई और वो देखते ही देखते शैतान में बदल गई। उसने ही तुम्हारे भाई को बड़ी बेरहमी से मार डाला। मैं वहीं पर थी, सब कुछ मेरी इन्हीं आंखों के सामने हुआ, लेकिन चीखने चिल्लाने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ एक बात और, वो अकेली नहीं थी बल्कि उसकी पूरी फौज थी। तभी एक शैतान उड़ने वाले कीड़े में बदल गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो मेरे मुंह के जरिए शरीर के अंदर चला गया। इस हॉस्पिटल में कैसे पहुंची, आगे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सब कुछ देख सकती थी, समझ सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। ये कहकर सीरिया ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अनुराधा उसके आंसू पोंछकर बोली, जो भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझकर भूल जाओ और आने वाले कल के बारे में सोचो। सीरिया उससे बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो, पहले तुम ये बताओ कि पेरिस के सेंट मरियम अनाथालय से कब आई, क्या फादर जैकब भी तुम्हारे साथ यहाँ आए हैं। अनुराधा उससे बोली, सेंट मरियम अनाथालय और फादर जैकब, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती, यहाँ तो मैं अपनी मम्मी नॉर्मन हार्वे के साथ रहती हूँ। सीरिया हैरान होकर उससे बोली, ये क्या कह रही हो, तुम्हें जन्म देते ही तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी, तब तुम्हें सेंट मरियम अनाथालय के इंचार्ज फादर जैकब को सौंप दिया गया,